सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट की खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के पुछले बल्लेबाजों ने एक बार फिर कमाल दिखाया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 332 रनों का बन गया। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के बार फिर लड़खड़ा गए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी। भारतीय टीम को शुरुआत देने आए केएल राहुल और शिखर धवन की जोड़ी एक बार फिर फेल रही, जहां धवन 6 गेंद पर 3 रन बनाकर चलते बने। वहीं केएल राहुल ने साहस दिखाया और 53 गेंद पर 37 रन बनाए। उसके बाद पुजारा ने 101 गेंद पर 37 रन बनाए, लेकिन उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 0 रन पर चलते बने। इस दौरान के छोर पर कप्तान कोहली जमे रहे। उसके बाद हनुमा विहारी आए, जिनका यह पहला मैच है। क्रीज पर आते ही उन्हें एंडरसन जैसे दिग्गज गेंदबाज का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने बेहद धैर्य के साथ गेंदों को जवाब दिया। इस बीच दोनों ने 50 रन की साझेदारी की, लेकिन विराट 49 रन पर आउट गए। इसके बाद पंत भी सस्ते में आउट हो गए। विहारी ने 25 और जडेजा ने 8 रन बनाए। भारत अब भी 158 रन से पीछे है। मैच बने ये रिकॉर्ड। एक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अमला ने 17,995 रन बनाए हैं, वहीं कोहली ने 17 रन बनाते ही अमला को पीछे छोड़ दिए। 2, 21 रन बनाते ही कोहली ने क्रिकेट कैरियर में 18,000 रन पूरा कर लिए। वे दुनिया के 15वें और भारत के 4थे खिलाड़ी बन गए। 3 कोहली ने 382 पारियों में 18,000 रन बनाए, जो सबसे तेज 18,000 रन है। उन्होंने सचिन 412 पारी और लारा 411 पारी को पीछे छोड़ दिया। 4 केएल राहुल ने 13 कैच पकड़कर राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वे एक सीरीज में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। 5 वही कुक ने भारत के खिलाफ 37 कैच पकड़े, उन्होंने पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। 6 ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 43 विकेट चटकाए, वे कपिल देव के साथ नंबर 1 गेंदबाज बन गए। दोस्तों, आपको क्रिकेट की खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।